बहुत दूर दूर से तमाम सारे मित्र आते हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं लेकर आते हैं, शारीरिक मानसिक कष्टों का निवारण, आर्थिक व्यावसायिक पारिवारिक समस्याओं का समाधान, जाने कितनी कितनी समस्याएं एक एक व्यक्ति के जीवन में भरी पड़ी हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान जिंदगी भर व्यक्ति ढूंढता रहता है और उनका समाधान होने के पहले ही मनुष्य इस संसार से विसर्जित हो जाता है, विदा हो जाता है। अगर सच्चे सदगुरु से आपका सच्चा संबंध बन जाए तो सच्चा सदगुरु आपको एक महा औषधि उपलब्ध करा सकता है जो आप समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जितनी समस्याएं हैं उनको जड़ से ही काट देना। और अब तक इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध हुए हैं सब ने यही चेष्टा की है कि तुम्हें वह महा औषधि मिल जाए। वह महा औषधि क्या है? धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर हर व्यक्ति रोज कुछ न कुछ करता है। पूजा, प्रार्थना, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ न कुछ पकड़े हुए हैं हर लोग, लेकिन किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हैं, बल्कि मैं कहूँ समस्याएं रोज रोज कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। आखिर समाधान क्या है? कोई मोक्ष खोज रहा है, कोई परमात्मा को खोज रहा है, कोई जिंदगी की समस्याओं से जूझने में ही लगा है। और अनंत काल से संबुद्ध सदगुरुओं ने एक अद्भुत सत्य कहा है कि तुम सब सोए सोए जी रहे हो, अंधेरे में जी रहे हो। अगर तुम जाग जाओ, जाग जाने भर से परम आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो समस्त संबुद्धों ने एक बात कही है कि मूल रूप से तुम आनंद स्वरूप हुई हो, यानी तुम्हारा स्वभाव आनंद का है, लेकिन इसका ठीक उल्टा तुम 24 घंटे उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए जीते हो। इसका अर्थ तुम अपने मूल स्वरूप में नहीं हो। अगर तुम मूल स्वरूप को प्राप्त कर लो, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लो, तो तुम परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। परम आनंद यानी परमात्मा ही तुम्हारा स्वभाव है और उसे तुमने खोया नहीं है, तुम सिर्फ उसे भूल गए हो। इसीलिए इस पृथ्वी पर जो सबसे अद्भुत धर्म ग्रंथ हैं उपनिषद, इस पृथ्वी पर जो सबसे अद्भुत एकमात्र धर्म ग्रंथ है गीता, जिसमें सब धर्मों का सार निहित है, उसका एकमात्र उद्घोष है तुम वही हो, तत्त्वम असि, यानी तुम्हारा मूल स्वभाव परम आनंद का है। और उस मूल स्वभाव को तुम प्राप्त कर लो तो परम आनंद यानी परमात्मा तुम्हें उपलब्ध हो गया। अब प्रश्न उठता है कि मूल स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संबंध में भी आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष की धरती पर अध्यात्म जगत में एक शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उस शब्द को कहते हैं सुमिरन। हर व्यक्ति कहता है सुमिरन कर लें, और सुमिरन का अर्थ क्या होता है कभी आपने सोचा? सुमिरन शब्द स्मरण शब्द से बना है, स्मरण का ही अपभ्रंश है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर तुम सारे लोग सुमिरन करते हो, और सुमिरन के पीछे विज्ञान है कि तुम स्मरण करो। स्मरण किस चीज का करो? स्मरण आत्मस्मरण करना है। जिस चीज को तुम भूल गए हो उसका ही स्मरण करना है। क्या भूल गए हो? अपना मूल स्वरूप, अपना स्वभाव, कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद ही हूं। आनंद में रहना, 24 घंटे आनंद में जीना, ये हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन इस मूल स्वभाव को हमने
विसार दिया है, विस्मृत हो गए हैं, छोड़ दिया है, भूल गए हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, आप अपने मन के अगले भाग में, अगले हिस्से में बहुत थोड़ी सी जगह में जीते हैं। से सारा हिस्सा आपके अस्तित्व का, आपके मन का ऐसा है जिससे आप अपरिचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल हो और वह व्यक्ति अपने महल के बरामदे में ही सोता रहे और उसी में सोते सोते अपनी जिंदगी बिता दे, ऐसे ही सारे मनुष्य का जीवन है। जो विराट भवन हर व्यक्ति को उपलब्ध है, उस विराट भवन में न रहकर उसके बरामदे के एक कोने में जीता रहता है, उसी में जीते जीते वो विदा हो जाता है। उसको कैसे विराट भवन दिलाया जा सकता है? उसको सिर्फ याद दिला दिया जाए कि ये बरामदा ही नहीं है तुम्हारे पास, ये देखो पूरा पूरा विराट राजभवन है तुम्हें उपलब्ध, और उसकी जानकारी तुम्हें हो जाए, उसका स्मरण हो जाए, तुम्हें पता भर चल जाए, तो आप बरामदे के दुखी जीवन से मुक्त होकर उस विराट राजमहल के आनंदमय जीवन को जी सकते हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ स्मरण करना है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का सार, परम आनंद को प्राप्त करने का के विज्ञान का सार, सिर्फ तुम अपने स्वभाव का स्मरण कर लो कि मूल रूप से मैं क्या हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ। और इसीलिए अध्यात्म जगत में जो सुमिरन शब्द आया, उस सुमिरन शब्द को ही संत कबीर ने, संत दादू ने, रैदास ने, नानक ने सुरति कहा। सुरति का भी अर्थ होता है स्वरूप का स्मरण करना, लेकिन स्मरण तो किसी ने किया नहीं, स्मरण के नाम पर ठीक उल्टा चलना शुरू हो गया, बिल्कुल स्मरण का उल्टा। सुमिरन के नाम पर, सुरति के नाम पर, स्मरण के नाम पर सारे लोग करते रहते हैं। सुमिरन का अर्थ ही बिगड़ गया। सुमिरन का अर्थ हो गया कि कहीं बैठकर माला फेर रहे हैं, या राम नाम की चदरिया ओढ़े राम राम जप रहे हैं, या कोई नमोकार कर रहा है, कोई ओंकार जप रहा है, कोई गायत्री जप रहा है, बस अंधों की तरह कहीं बैठे कुछ बड़बड़ाए चले जा रहे हैं। वास्तव में सुमिरन यानी स्मरण इतनी सस्ती बात नहीं है कि किसी शब्द को बार बार दोहराते जाओ तो तुम्हें स्मरण आ जाएगा। दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सारे अध्यात्म जगत का सार है आत्मस्मरण का विज्ञान, आत्मस्मरण की कला। और ये कला इतनी सहज है, इतनी सरल है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो आज ही एक बहुत बड़ी क्रांति गुजर सकते हैं। आज ही बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके भीतर पैदा हो सकता है। आत्मस्मरण के लिए कुछ दोहराना, जपना, पाठ करना या बड़बड़ाना बिल्कुल जरूरी नहीं, बल्कि ठीक उसका उल्टा। मेरी दृष्टि में आत्मस्मरण का सबसे सीधा, सरल, सहज उपाय है, आप सुखपूर्वक शांति भाव से, शून्य भाव से बैठ जाएं, कुछ भी करें नहीं, सिर्फ सुखपूर्वक शांतिपूर्वक शून्य होकर बैठ जाएं। ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं, उस परम विश्राम की अवस्था में आपको अपना स्मरण, अपने आप होना शुरू हो जाता है। सिर्फ परम विश्राम में होने का अभ्यास कर लेने से आप अपने मूल स्वरूप में पहुंचने लगते हैं, और यह कला अगर आपको आ गई तो अकस्मात आप भीतर से बोल पड़ेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों ने जो कहा, गीता ने जो कहा, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, इसका बोध उसी अवस्था में हो सकता है जब आप बिल्कुल शांत चित होकर घड़ी भर बैठने का अभ्यास करें। उस परम शांति की अवस्था में
अपने आप आपको अपने मूल स्वरूप का, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण होना शुरू हो जाएगा। आपका कुछ भी करना बाधा बनेगा। आत्मस्मरण का बहुत गहरा अर्थ है अकर्म, यानी टोटल इनएक्टिविटी, कुछ ना करने की अवस्था में हो जाना, न शरीर से कुछ करना, न मन से कुछ करना, अकर्म की अवस्था में, समग्र विश्राम की अवस्था में होने का अभ्यास कर लेना। इसीलिए अध्यात्म जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र प्रचलित है, कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने से मिलता है वो, वह यानी परम आनंद, वह यानी तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान। आपकी समस्याओं का मूल क्या है? आपकी सारी समस्याओं का मूल है विचारों का जाल, जिसमें आप 24 घंटे उलझे रहते। मन माया तो एक है, माया है क्या? माया सिर्फ आपके विचारों का जाल है जो 24 घंटे आपको उलझाए रहती है। आप विचारों के जाल में उलझे रहते हैं, सारी समस्याओं की जड़ विचारों का जाल। इसलिए एक एक समस्या से निपटने की जरूरत नहीं, एक एक समस्या में उलझने की जरूरत नहीं, एक एक समस्या से लड़ने की जरूरत नहीं। जो समस्याओं की जड़ है विचारों का जाल, उसकी जड़ ही काट देना, जिंदगी की समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाना है। और उसकी जड़ काटने का उपाय है आत्मस्मरण, अपने स्वभाव का स्मरण, अपने मूल स्वरूप का स्मरण, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण। और मैं आपसे कहूँ, अपने मूल स्वरूप के स्मरण का उपाय क्या है? सिर्फ विश्राम में होने का अभ्यास कर लेना। मैं अध्यात्म को इतना सरल, इतना सहज बना देना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ की भी समझ में वह विज्ञान आ जाए जो दुनिया के धर्म ग्रंथों में संबुद्ध पुरुषों ने व्यक्त किया है। यही सार है पूरे साइंस डिवाइन का। परम विश्राम की अवस्था में होने से आत्मस्मरण कैसे संभव हो सकता है? एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ, आपको किसी व्यक्ति के नाम का पक्का पता है और उस आदमी का नाम याद करना बहुत जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है आपको, और आप उस व्यक्ति का नाम याद करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं बस जीभ पर रखा है, ओठों पर आ गया है, बस याद नहीं आ रहा है। पक्का पता है, हजार बार आपसे उसकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस समय आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा, आप सिर्फ कहते हैं होठों पर धरा है, जीभ पर रखा है, और बहुत कोशिश करते। लेकिन आप हैरान होंगे, जब तक आप एक्टिवली उसको याद करने की चेष्टा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तब तक वो नाम याद नहीं आता है, आता ही नहीं। जितना ही प्रयास करोगे उतना ही याद आना मुश्किल होता जाता है। लेकिन आप अब थक गए, किसी और काम में लग गए, टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, या गपशप करने लगे, किसी और काम में डूब गए, रिलैक्स हो गए, अचानक वो नाम याद आ जाता है आपको। यानी जो लाख कोशिश करने पर याद नहीं आया, थोड़े समय को आप विश्राम की अवस्था में हुए, अचानक याद आ गया। विश्राम की अवस्था में, अतनाव की अवस्था में, रिलैक्सेशन की अवस्था में, भूली हुई चीज, भूला हुआ नाम अचानक याद आ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि यह जो स्मृति का मैंने उदाहरण लिया, यह स्मृति आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। चेतन मन उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। चेतन और अचेतन मन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, चेतन अचेतन के खिलाफ लड़ रहा है। तो जब तक लड़ता रहेगा तब तक याद नहीं आएगा। जब लड़ाई छोड़ देगा, यानी चेतन अचेतन से लड़ेगा नहीं, चेष्टा संघर्ष छोड़ देगा, तो चेतन अचेतन से मिल जाएगा। चेतन अचेतन के मिलते ही याद आ जाएगा। जो कोशिश करने पर, प्रयास करने पर याद नहीं आ रहा था, वो अकस्मात याद
आ जाएगा। यानी जो अचेतन के द्वार पर खड़ा था और चेतन में आने ही वाला था, लेकिन उस लड़ाई के कारण, संघर्ष के कारण, प्रयास के कारण, चेष्टा के कारण आ नहीं पा रहा था, उसी को हम कहते हैं कि जीभ पर रखा था, होठों पर था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। जब लड़ाई खत्म हो गई, आप विश्राम की अवस्था में हो गए, तनाव मुक्त हो गए, किसी और काम में लग गए, टेंशन फ्री हो गए, उस अतनाव की अवस्था में, उस पूर्ण विश्राम की अवस्था में आपको स्मरण आ गया। परमात्मा की स्मृति, अपने मूल स्वरूप की स्मृति, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण थोड़ा और भी गहरी बात है। लेकिन प्रकृति वही है, तरीका वही है, उपाय वही है। इसे ऐसा समझने की कोशिश करें कि आप चेतन मन है हमारा, कॉन्शियस माइंड, ये हमारे मन का ऊपरी हिस्सा है, प्रकाशित हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो हमारा चेतन मन है, हमारे मन का एक छोटा सा हिस्सा है चेतन मन। हम सारे लोग उस छोटे से हिस्से में, उस राजभवन के बरामदे में ही पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। उस चेतन मन तक ही हमारी पूरी ज़िंदगी सीमित रह जाती है, इसीलिए हमारा जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है। हमें पूरे जीवन में कभी परम शांति, परम आनंद का बोध नहीं होता।